हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा साइंस का चैप्टर 2 प्लांट्स वर्ल्ड, इसके बारे में हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग उसका समेटिव असेसमेंट कर लेते हैं। इसमें जो भी क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं वो बताए जाएंगे, आप अपनी बुक में टिक लगा लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए में दिया हुआ है टिक द राइट ऑप्शंस। 3 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें जो राइट ऑप्शन है उस पर टिक करना है। बुक में टिक लगाइए, उसके बाद से कॉपी में फिर उसको नोट कर लीजिएगा। वेरी बिग प्लांट आर कॉल्ड, जो वेरी बिग प्लांट है उनको क्या कहते हैं? इसका आंसर है ट्री, ऑप्शन ए सही है, ए पर टिक कर लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन, श्रब्स लाइव ओनली फॉर फ्यू ईयर्स, इसका ऑप्शन सी सही है, सी वाले ऑप्शन पर टिक करिए। थर्ड, ग्रीन पी मनी प्लांट्स एंड ग्रेप वाइन, ये क्या है? क्लाइंबर्स हैं, क्रीपर्स हैं या फिर हर्ब्स हैं? इसका आंसर ए सही है, क्लाइंबर्स हैं ये। क्वेश्चन नंबर 4, श्रब्स हैव मैनी वुडी ब्रांचेज, इसका भी ऑप्शन ए सही है, श्रब्स की जो ब्रांचेज होती है वो वुडी होती हैं, तो ऑप्शन ए पर टिक करिए, वुडी। फिफ्थ, मिंट एंड कोरिएंडर आर द हर्ब्स, इसका ऑप्शन सी सही है, कोरिएंडर हर्ब्स, कोरिएंडर है नॉट कि मैंगो एंड नीम। क्वेश्चन 6, हर्ब्स आर स्मॉलर देन ट्री, इसका ऑप्शन बी सही है, श्रब्स आर स्मॉलर देन ट्री, बी पर टिक करिएगा। 6 का क्वेश्चन, 6 जो क्वेश्चन है उसका आंसर बी है। 7, रोज एंड कैक्टस आर थॉर्नी प्लांट्स, इसका ऑप्शन ए सही है, 7th में ए पर टिक करिए। अब समेटिव असेसमेंट का बी क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द गिवन वर्ड्स, कुछ वर्ड्स दिए गए हैं उसको खाली जगह में फिल करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन प्लांट की पावर इन्वायरमेंट क्लीन एंड फ्रेश, दो जगह खाली छोड़ दिया है, इसमें एक पहले में भर देंगे क्लीन और दूसरे में भर देंगे फ्रेश। सेकंड क्वेश्चन, ग्रीन नेट्री हैव ए थीक ब्राउन एंड वुडी स्टेम, इसमें वुडी भरेंगे, सेकेंड क्वेश्चन में भरना है ओडी, WOODY। थर्ड क्वेश्चन, क्लाइंबर्स नीड सपोर्ट टू स्टैंड स्ट्रेट, थर्ड में स्ट्रेट भरना है। फोर्थ, रोज एंड कैक्टस आर थॉर्नी प्लांट्स, रोज और कैक्टस है वो थॉर्नी प्लांट्स है, तो इसमें भरेंगे थॉर्नी। फिफ्थ, क्रीपर्स ग्रो अलोंग द ग्राउंड, एक तो वाले में ग्राउंड भरना है, क्रीपर्स ग्रो अलोंग द ग्राउंड, क्रीपर्स जो हैं वो जमीन पर बढ़ते हैं। 6 क्वेश्चन नंबर देखिए, क्रीपर्स हैव वीक स्टेम, लास्ट वाले क्वेश्चन में भरेंगे वीक, क्रीपर्स में जो स्टेम होती है वो वीक होती है। क्वेश्चन नंबर 6, टिक द करेक्ट एंड क्रॉस द रॉन्ग स्टेटमेंट, टिक द करेक्ट जो सही है उस पर टिक करना है और जो गलत स्टेटमेंट है उस पर क्रॉस का चिन्ह लगाना है। फर्स्ट क्वेश्चन, वी सी मेनी काइंड ऑफ प्लांट्स अराउंड अस, हम लोग अपने चारों तरफ कई तरह के पेड़ पौधे देखते हैं, सही है, इस पर टिक कर दीजिए, सही के लिए टिक करिए। सेकेंड, प्लांट्स ग्रो ओनली इन वाटर, प्लांट्स जो हैं वो केवल वाटर में ग्रो करते हैं, पौधे केवल पानी में ही पाए जाते हैं, ये फॉल्स है, रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्रॉस कर दीजिए इसके सामने जो बॉक्स बना हुआ है इसमें। थर्ड क्वेश्चन, श्रब्स लिव ओनली फॉर फ्यू ईयर्स, ये करेक्ट है, श्रब्स जो है वो कुछ सालों तक जीवित रहते हैं। फोर्थ, थॉर्न्स प्रोटेक्ट द प्लांट्स फॉर बीइंग ईटन बाय ह्यूमंस, थॉर्न्स जो है कांटे जो है पौधे को बचाते हैं आदमी से, ये फॉल्स है, रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि उसमें जो थॉर्न्स पाए जाते हैं वो जानवरों से पौधों को बचाते हैं। फिफ्थ, क्लाइंबर्स रैप देमसेल्फ अराउंड प्लांट्स रॉक एंड मैनमेड स्ट्रक्चर, क्लाइंबर्स जो हैं वो मैनमेड स्ट्रक्चर पर फैल जाते हैं या फिर किसी प्लांट के ऊपर फैल जाते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट है, इसमें टिक कर दीजिए, ये सही है। क्वेश्चन आंसर देखिए, डी वाला आ गया, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, क्वेश्चन दिए गए हैं उसका आंसर देना है। वाटर ट्री, ट्री क्या है?
बिग प्लांट जो बड़े पौधे हैं उसको ट्री कहा जाता है। तो अब इसका आंसर देखने के लिए हमें चलना होगा ट्री वाली जो हेडिंग दी गई है उसमें। पहली लाइन देखिए, वेरी बिग प्लांट आर कॉल्ड ट्री, बहुत बड़े पौधे को हम ट्री कहते हैं। दे आर मैंगो ट्री, बनियान ट्री, नीम ट्री, कोकोनट ट्री, ईटीसी, यहाँ तक लिखेंगे। वेरी बिग से लेकर के कोकोनट ट्री ईटीसी तक लिखेंगे, इसमें डिफिनीशन भी हो जाएगी और एग्जांपल भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर टू देखिए, राइट थ्री एग्जांपल ऑफ श्रब्स, श्रब्स के थ्री एग्जांपल देने हैं। तीन ऐसे प्लांट का नाम लिखिए जो कि श्रब्स हों। तो श्रब्स वाली जो हेडिंग दी गई है उसमें देखिए, श्रब्स के थर्ड लाइन, रोज, जैस्मिन, हिबिस्कस, सनफ्लावर, ईटीसी या श्रब्स, ये सब श्रब्स हैं। बस इतना ही लिखेंगे, रोज, जैस्मिन, हिबिस्कस, सनफ्लावर, ईटीसी या श्रब्स, इतना लिखेंगे तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थर्ड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लाइंबर एंड क्रीपर्स, क्लाइंबर एंड क्रीपर में क्या डिफरेंस होता है, किसको क्लाइंबर कहेंगे किसको क्रीपर कहेंगे। तो इसमें क्लाइंबर और क्रीपर दोनों हेडिंग दे करके एक एक दो दो लाइन लिखेंगे तो हो जाएगा। पहले क्लाइंबर्स देख लीजिए, क्लाइंबर्स जो हेडिंग है उसमें सेकेंड लाइन, दे रैप देमसेल्फ अराउंड प्लांट्स, रॉक और माइन मेटल स्ट्रक्चर, यहाँ तक लिखिएगा। और क्रीपर्स की हेडिंग दे करके लिखना है, क्रीपर्स वाली हेडिंग से ही नोट कर लीजिएगा। सम प्लांट्स ग्रो अलॉन्ग द ग्राउंड, ये ग्राउंड पर फैलते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है। क्रीपर्स जो है वो ग्राउंड पर फैलते हैं, जमीन पर फैलते हैं, और क्लाइंबर्स जो है वो मैन मेड स्ट्रक्चर हो या कोई प्लांट हो या फिर रॉक्स हो उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, उसके ऊपर फैलते हैं, बढ़ते हैं, तो दोनों में एक डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय थॉर्नी प्लांट्स, थॉर्नी प्लांट्स से आप क्या समझते हैं। तो थॉर्नी प्लांट्स वाली हेडिंग में देखिए, सम प्लांट्स हैव थॉर्न्स, थॉर्न्स प्रोटेक्ट द प्लांट्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय एनिमल्स, रोज एंड कैक्टस आर थॉर्नी प्लांट्स, इतना लिखेंगे। पूरा जितना दिया है थॉर्नी प्लांट्स में सब लिखेंगे, ऐसे प्लांट्स जिसमें कि थॉर्न पाए जाते हैं, कांटे पाए जाते हैं, उसको कहेंगे थॉर्नी प्लांट्स। और थॉर्न प्रोटेक्ट, कांटे जो है बचाते हैं प्लांट्स को फ्रॉम बीइंग ईटन बाय एनिमल्स, एनिमल्स को, एनिमल्स न खा जाए पौधे को, इससे पौधे को बचा लेते हैं। नेम द पार्ट ऑफ ए प्लांट, प्लांट के कितने पार्ट होते हैं बताया गया है, नोट कर लीजिए, पेज नंबर 10 पर दिया हुआ है। पार्ट्स ऑफ ए प्लांट हेडिंग है, उसमें दिया हुआ है पार्ट, ए प्लांट हैज मेनी पार्ट्स, प्लांट में बहुत से पार्ट्स होते हैं। दे आर रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स, तो प्लांट के इतने पार्ट्स हैं, इसको नोट कर लेंगे। अब आप इसके लिए कॉपी और किताब दोनों कंप्लीट कर सकते हैं, आपका ये क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया।